गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है ऊष्मागतिक प्रायिकता, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। ऊष्मागतिक प्रायिकता क्या होती है कि पिछले वाली क्लास में हमने पढ़ा कि सूक्ष्म अवस्थाएं क्या होती है, कि स्थूल अवस्था क्या होती है। तो किसी स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की जो संख्या है वो उस स्थूल अवस्था की ऊष्मागतिक प्रायिकता कहलाती है। ओके, स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, कितनी सूक्ष्म अवस्थाएं हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई सिस्टम है जिसमें n कलाबिंदु है। ठीक है, तो वहां पर जो विभिन्न कोष्ठिकाओं में केवल बिंदुओं के क्रम आपस में n वस्तुओं को एक अनुक्रम में व्यवस्थित करने की विभिन्न रीतियों की संख्या क्रमचयों की संख्या फैक्टोरियल n है। तो फैक्टोरियल n है, तो इस ऊष्मागतिक प्रायिकता को w से निरूपित करते हैं। W से यहाँ पर इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो W से रिप्रेजेंट करते हैं। W से जब रिप्रेजेंट किया तो W बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1, फैक्टोरियल n2, फैक्टोरियल n3। तो ये हैं स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ऊष्मागति की प्रायिकता। ऊष्मागति की प्रायिकता के लिए W बराबर फैक्टोरियल n, n1, n2, n3, जिसमें ni जो है सेल है, n1 फर्स्ट सेल में, ये सेकंड सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये थर्ड सेल में, और ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, यहाँ पर यदि इसको एन इन सभी को सभी इस सेल्स पे इसको हम समेशन से बता सकते हैं, तो पाई या समेशन एन आई फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ पर ये है कि किसी स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की जो संख्या है वो फैक्टोरियल एन अपॉन पाई एन आई फैक्टोरियल। ओके, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि किसी की प्रायिकता कैसे निकाली जाती है। तो प्रायिकता निकालने के लिए यहाँ पर जो है वो सेल है, एक आई और एक जे सेल है। इस आई और जे सेल में चार पार्टिकल्स को व्यवस्थित करना है। प्रथम तरीके से ऐसे कर सकते हैं, तीन पार्टिकल यहाँ गए, जो एक यहाँ चला गया, और इसमें से भी कौन सा पार्टिकल, सी डी ए, ए यहाँ चला गया, बी यहाँ गया, डी ए बी यहाँ चला गया, यहाँ पर आ गया, ए बी सी ए है ये। तो इस ये तो एक ही तरह की व्यवस्था हो गई, इसमें कणों को इंटरचेंज हुआ है सिर्फ। यहाँ से पार्टिकल तीन इसमें है आईएस सेल में, एक इसमें है। अब एक वाला जो पार्टिकल है वो कोई सा भी हो सकता है, ए बी सी डी में से कोई सा भी ले लिया और बाकी के तीन पार्टिकल इस सेल में चले गए। और जो तो दूसरे जो दूसरा मैथ दूसरा है वो ये हैं डी सी डी बी सी और ये कोष्ठिका जे में ए। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लेते हैं कि ये कोई एन आई सेल है और ये एन जे है। ठीक है, इसमें चार कणों को व्यवस्थित करना है। प्रथम तरीके से चारों को चारों कण आई एच सेल में चले गए, दूसरे में जीरो, तीसरे में तीन चला, पहले में तीन चला गया, दूसरे में एक, पहले सेल में दो चले गए, इसमें भी दो रह गए, पहले में एक चला गया, इसमें तीन रह गए, पहले में जीरो चला गया, इसमें चार रह गए। तो इसके थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, जब पहले में चार कण हैं और दूसरे सेल में जीरो कण है, तब थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 n2। तो फैक्टोरियल n कितना है, कितने कण हैं यहाँ पर, चार, तो चार हो गए, चार का फैक्टोरियल। प्रथम में कितने हैं, चार, दूसरे में कितने हैं, जीरो, तो ये जीरो फैक्टोरियल, तो इसका मान कितना आ जाएगा, वन। अब यहाँ पर इस स्थिति में प्रायिकता कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, चार, तो फैक्टोरियल n प्रथम में कितने हैं, तीन, सेकेंड वाले सेल में कितने हैं, वन, तो ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू ये होगा। अब दूसरे सेल में यदि दोनों सेल में दो दो हैं कण, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, फैक्टोरियल चार कण है तो फैक्टोरियल फोर, फैक्टोरियल टू, फैक्टोरियल टू, सिक्स आ गई। तो सबसे ज़्यादा जो ऊष्मागतिक प्रायिकता है वो कब है, जब दोनों सेल में जो बिंदुओं की संख्या है वो क्या है, समान, दो दो है तब। ओके, तो इस तरह से थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी जो होती है वो W बराबर फैक्टोरियल n अपॉन पाई एन आई फैक्टोरियल। ओके, अब यहाँ पर ये है कि हम किसी गैस के लिए ऊष्मागतिक प्रायिकता का अध्ययन करना चाह रहे हैं। तो गैस के लिए ऊष्मागतिक प्रायिकता का अध्ययन करने के लिए स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन ये है कि फैक्टोरियल में एलन, जो फैक्टोरियल है उसका एलन ले लें, एलन लेते हैं तो एलन एक्स फैक्टोरियल जो मान है उसका ये होता है एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स, ये होता है स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। इसमें जो फैक्टोरियल का जो एल एन नेचुरल लॉगरिथम लेते हैं उसका मान होता है एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ पर जो ऊष्मागतिक प्रायिकता है उस ऊष्मागतिक प्रायिकता का जो नेचुरल लॉगरिथम लेने पर, तो एल एन डब्लू ऊपर वाला जो यहाँ पर ये था एल एन, सॉरी यहाँ पर ये डब्लू
ये फैक्टोरियल एन आई एन और फिर पाई एन आई फैक्टोरियल. ओके, तो यहाँ पर नेचुरल लॉगरिथम लेने पर एल एन डब्लू एल एन 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 फैक्टोरियल माइनस फर्स्ट में एन आई का मतलब एन वन एन टू एन थ्री फैक्टोरियल में एल एन एन वन फैक्टोरियल माइनस एल एन एन टू फैक्टोरियल इसी तरह से माइनस एल एन एन थ्री फैक्टोरियल ये आ जाएगा. इन सभी पे समीशन करें तो एल एन एन फैक्टोरियल माइनस समीशन करेंगे समीशन एल एन एन आई फैक्टोरियल. ओके, तो ये हो जाएगा. फिर इसमें ये स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन यूज में लेने पर स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन ये कहता है कि फैक्टोरियल का जो एल एन है वो एक्स एल एन एक्स तो एन एल एन एन माइनस एन ये तो इसका आ गया. ये तो ये वाली जो टर्म है ये दोनों दो में पार्ट हो गई और ये वाली टर्म है इन दोनों में पार्ट हो जाएगी एक तो इसमें एक इसमें. तो यहाँ एन आई समीशन एन आई एल एन एन आई माइनस पहले से प्रेजेंट है तो एक माइनस ये वाला आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस समीशन एन आई. ओके, और चूंकि समीशन एन आई जो है सभी स्टेट्स में फेज पॉइंट्स का यदि योग किया जाए तो वो टोटल नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स आ जाएंगे तो एन के बराबर हो जाएगा तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी तो एन एल एन एन समीशन एन आई एल एन एन आई. ओके, तो समय के साथ कलन निर्देशांकों की कोष्ठिकाओं में कला बिंदु इधर उधर विस्थापित होते हैं जिससे संख्याएं एन आई परिवर्तित होती रहती है. ठीक है, अब मान लेते हैं कि जो ऊष्मागतिक प्रायिकता है डब्ल्यू है वो अधिकतम प्रायिकता को डब्ल्यू जीरो से डिनोट करते हैं. जब कोई राशि अधिकतम होती है तो उसका जो परिवर्तन है वो जीरो के बराबर होगा. ओके, तो जब डब्ल्यू जीरो का परिवर्तन जीरो के बराबर है तो इसका एल एन का भी परिवर्तन जीरो के बराबर होगा. ठीक है, तो अधिकतम प्रायिकता के लिए डेल एल एन डब्ल्यू जीरो ये एल एन डब्ल्यू जीरो यहाँ पर ये माइनस एन आई डेल एल एन एन आई माइनस अब यहाँ पर ये देखिए ये जो अधिकतम प्रायिकता के लिए हैं अधिकतम प्रायिकता के लिए इसका इसका परिवर्तन लेते हैं तो इसमें परिवर्तन डब्ल्यू जीरो ये वाली जो है ये फिक्स हो गई तो इसमें परिवर्तन जीरो आ गया माइनस इसमें एन आई को कांस्टेंट रख दिया एक बार इसमें परिवर्तन कर दिया तो ये आ गया दूसरा बार इसको कांस्टेंट रख दिया एल एन एन आई को और एन आई के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दिया तो डेल एन एन आई इसके बराबर होगा जीरो के बराबर होगा और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं किसको इसको कैसे लिख सकते हैं एन आई तो है ही इसमें अवकलन करेंगे एन आई का तो एल एन एक्स का अवकलन होगा वन अपॉन एक्स तो वन अपॉन एक्स का वन अपॉन एन आई डेल एन आई एन आई से एन आई ये समीशन डेल एन आई बराबर जीरो यानी ये जो टर्म है वो जीरो के इक्वलेंट हो जाएगी. तो जो समीशन एल एन एन आई डेल एन आई बराबर भी क्या हो जाएगा जीरो माना जाएगा. ओके, अधिकतम प्रायिकता के लिए ये आता है अधिकतम प्रायिकता के लिए आता है. तो यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई स्टेट्स हैं एन आई स्टेट्स में इसकी जो ऊर्जा है वो है ए आई तो उसकी जो आंतरिक ऊर्जा का मान हो जाएगा यू बराबर किसी स्टेट्स में ए आई एन आई और सभी स्टेट्स पर समीशन आएगा तो उस निकाय की जो कुल आंतरिक ऊर्जा है वो आ जाएगी समीशन ए आई एन आई. तो आई वी कोष्टिका में बिंदुओं की संख्या डेल एन आई से परिवर्तित होती है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन. ओके, एक ऊर्जा बिंदुओं की संख्या में परिवर्तन यदि एन आई होता है तो ऊर्जा में परिवर्तन कितना हो जाएगा ई आई डेल एन आई. ठीक है, तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी डेल यू समीशन ई आई डेल एन आई. ओके, अब हम क्या करते हैं कि ये इक्वेशन नंबर दी हुई है अब हम क्या करते हैं यहाँ पर ये जो समीकरण पाँच है समीकरण पाँच यानी ये वाली ये जो आई थी समीशन डेल एन आई एन आई डेल आई तो इस समीकरण में जो समीकरण सात हैं समीकरण सात कौन सा ये सभी अणुओं की संख्या डेल एन इसको एक कांस्टेंट से गुणा कर देते हैं माइनस एल एन एल्फा माइनस एल एन एल्फा से इसको गुणा किया डेल एन एन आई को और इस वाली समीकरण में जो समीकरण आठ है आंतरिक ऊर्जा वाली इसको एक कांस्टेंट बीटा से गुणा कर देते हैं और सबको क्या करते हैं जोड़ देते हैं फिर ठीक है तो ये जो समीकरण है ये बन जाती समीशन एल एन एन आई माइनस एल एन एल्फा डेल एन आई और फिर जो आंतरिक ऊर्जा वाला है बीटा ई आई डेल एन आई और सबको जोड़ने पर डेल एन एन आई कॉमन आ जाएगा ये इक्वेशन आ गई. ठीक है, इस इक्वेशन को आने के बाद में चूँकि जो एन आई संख्या है ये एन आई संख्या परिवर्तित संख्या है इसका मान जो है
वो जीरो नहीं हो सकता, यानी परिवर्तित होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है, तो इसमें परिवर्तन जो है वो जीरो नहीं होगा, तो यहाँ पर इसका जो गुणा है वो जीरो के बराबर होगा। जब ये जीरो के बराबर, ये जीरो के बराबर, ये जीरो के बराबर होगा, तो ये आ गया। और इसमें इसको हम ये कैलकुलेट करें तो ये एल एन एन आई अपॉन एल एन एल्फा बराबर बीटा ए आई, ठीक है। अब यहाँ पर एल एन हटाएंगे तो ये बच गया एन आई अपॉन एल्फा ई के पावर, ये माइनस में आ जाएगा बीटा ई आई, और इस अल्फा को ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा एन आई बराबर अल्फा ई के पावर माइनस बीटा ई आई। इस सभी संख्याओं के लिए योग करने पर समीशन लगाएंगे, समीशन एन आई बराबर एन एन अल्फा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, समीशन एक्सपोनेंशियल ई के पावर माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई। ओके, यहाँ पर जो समीशन है इस समीशन को पार्टीशन फंक्शन कहते हैं, संवितरण फलन करते हैं। संवितरण फलन में ई के पावर माइनस बीटा ई आई समीशन, इसको जेड से डिनोट करते हैं, जेड ई के पावर समीशन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई, ठीक है। इसको जेड से डिनोट किया तो यहाँ पर एन बराबर हो गया अल्फा, अल्फा एन बराबर हो गया ये अल्फा और जेड, ठीक है। तो अल्फा बराबर हो जाएगा क्या, एन अपॉन जेड। ओके, ये कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ गई। जब ये कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ गई तो अल्फा का मान यहाँ पर रखने पर, अल्फा का मान यहाँ पर रखने पर तो किसी स्टेट में स्थित होने की जो प्रायिकता है एन आई बराबर अल्फा ई की पावर माइनस बीटा ई आई, किसी आईएथ स्टेट में स्थित होने कणों की संख्या, उस मगधिक प्रायिकता का मान निकाले, एन आई एन अपॉन जेड ई की पावर माइनस बीटा ई आई, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जब एन आई अपॉन एन है तो ये एन आई अपॉन एन है, एन आई अपॉन एन क्या क्या मतलब हो गया, किसी आईएथ स्टेट में स्थित होने की प्रायिकता, किसी आईएथ स्टेट आईवी कोष्टिका में स्थित होने की प्रायिकता, ऊर्जा ई आई ऊर्जा वाली आईवी कोष्टिका में स्थित होने की प्रायिकता पी ई आई एन आई अपॉन एन ई के पावर माइनस बीटा ई आई अपॉन जेड, और जेड को बता सकते हैं हम समेशन ई के पावर माइनस बीटा ई आई। ओके, ये बोल्ट्जमैन फैक्टर है। तो किसी ऊर्जा ई आई वाली कोष्टिका में स्थित होने की प्रायिकता है वो इस समीकरण के द्वारा दी जाती है। तो हम ये कहें कि प्रायिकताओं का अनुपात कितना होगा, तो ये है ऊष्मागति की प्रायिकता, ठीक है। तो किसी इवन ऊर्जा वाली कोष्टिका की प्रायिकता है वो आ जाएगी बीटा इवन, ये समीशन, और यहाँ पर ई टू ऊर्जा वाली ई की पावर माइनस बीटा ई टू, दोनों का यदि रेशो निकाले तो ये नीचे वाली टर्म तो दोनों में कैंसिल आउट हो गई, ई के पावर माइनस बीटा ई वन ई के पावर माइनस बीटा ई टू, तो ऊपर जाकर के ये पॉजिटिव बन जाएगा, ई टू माइनस ई वन आ जाएगा। तो ये जो है वो प्रायिकताओं का अनुपात आ गए। तो ऊष्मागति की जो प्रायिकता है वो इस समीकरण के द्वारा दी जाती है, ठीक है। और ऊष्मागति की प्रायिकता क्या होती है, ऊष्मागति की प्रायिकता होती है स्थूल अवस्था की ऊष्मागति की प्रायिकता स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या। ओके, तो आज का लेसन मैं यही एंड कर रही हूँ। ऊष्मागति की प्रायिकता क्या होती है ये हमने बता दिया है, और इसको आप ध्यान से सुनिएगा और फिर ध्यान से एक बुक से पढ़ लीजिएगा। और आज का लेसन मैं यही एंड कर रही हूँ। थैंक्स।